क्रिकेट की दुनिया के अंदर बहुत कुछ हो रहा है और लेटेस्ट अपडेट आपको तो मिली होगी। पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। इंग्लैंड की टीम तो पाकिस्तान के अंदर आ गई है, लेकिन पाकिस्तान का कप्तान कौन होगा ये बहुत बड़ी बहस बनी हुई है। काफी सारे नाम सामने आ रहे हैं, बाबर ने भी कप्तानी छोड़ी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही साथ आज जसप्रीत बुमराह जो थे इंडिया के बॉलर, उनको नंबर वन जिसको कहते हैं राज में मिल गया, आईसीसी रैंकिंग के अंदर नंबर वन के ऊपर चलेंगे। तो दुल्हा साहब शॉकिंग तो नहीं है आपके लिए? नहीं, बुमराह का नंबर वन आना बिल्कुल शॉकिंग नहीं है। देखें, बुमराह एक बड़ा जबरदस्त बॉलर है और वो डिजर्व भी करता रहा। जिस तरह का बुमराह बॉलर है वो यही पोजिशन डिजर्व करता है। और देख, आपको तो पता ही है भाई, उसको छक्का मारना बड़ा मुश्किल है, उसको 20 स्कोर बड़ी मुश्किल से पड़ता है कभी। शायद मेरा ख्याल है कि मुझे याद नहीं आ रहा कि उसको 20 स्कोर लास्ट टाइम कब पड़ा होगा। मतलब कि बॉलर वो बहुत आउट क्लास है, तो मुझे लगता है कि बुमराह अच्छा हुआ है कि बुमराह नंबर वन बॉलर है। आपने बड़ी अच्छी बात की, बुमराह को इस वक्त स्कोर नहीं पड़ता। मैं अगर मैं याद करूं, बुमराह को लास्ट टाइम कब मार पड़ी थी मुझे खुद नहीं याद आएगा, मुझे नहीं याद आता। सिर्फ एक ऐसा मैच है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप का फाइनल, जिसके पहले ओवर के अंदर बुमराह को मेरा ख्याल है 3 चौके और 3 स्कोर, मतलब के 15 स्कोर पड़ गया था फाइनल में। उसको 20 मुझे नहीं याद पड़ता कि उसको 20 से ऊपर स्कोर कब पड़ा था। वही ना, तो ये बहुत बड़ी चीज है। यही उसको एक मैच होगा वर्ल्ड कप के फाइनल का पहला। इसके अलावा मुझे नहीं याद आता टेस्ट और टी20 हो, इस टी20 वर्ल्ड कप में उसको मार पड़ी नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल, इस टी20 वर्ल्ड कप से तबाही। वही बात आती है ना, फिर ऐसे क्या खासियत है इस बॉलर के अंदर, ये इतने आपको बेस्ट बनाता है। देखो 150 की पेस नहीं है, या तो 150 की पेस हो, या जिससे कहते हैं ना मेगा, जो जिस तरह इंडिया का भुवनेश्वर कुमार का स्विंग मिलता होता था, वसीम अकरम का स्विंग होता था, नहीं इस तरह स्विंग भी नहीं है, लेकिन फिर भी इतना स्पेशल है। देखें वो स्पेशलिटी क्या है उसमें, यही तो चीज है। एक तो उसका जो रन अप है वो छोटा है, ये तो एक अलग चीज है, लेकिन उसका जो कहते हैं बॉलिंग एक्शन है वो बड़ा यूनिक और डिफरेंट है। और दूसरी एक जो मेन चीज है वो बॉडी टू बॉडी बॉल करता है। आपने उसको मुझे नहीं आप मुझे खुद बताएं, मैंने कभी बुमराह को जो है ना बाहर एक्स्ट्रा बाहर या फिर वाइड फजूल किस्म की बॉल देते हुए मैंने नहीं देखा। मैंने देखा है वो पैड में मारता है, बॉडी में वो कोशिश करता है, वो ज्यादा ज्यादा बॉल को मारता है, वखियों में वो बॉल मारता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा रीजन है कि उसको स्कोर कम से कम पड़ता है। उसकी लाइन और लेंथ जो है ना बुमराह की वो बहुत शानदार। बड़ी अच्छी आपने बात की बॉडी टू बॉडी। हम अक्सर देखते हैं जो बॉलर होते हैं वो वाइड यॉर्कर की तरह ट्राई करते हैं। हां वो नहीं, आज तो बुमराह को नहीं देखा। वही सवाल है ना कि मतलब कि क्या चीज बुमराह को स्पेशल बनाती है। यही चीज है कि बुमराह जो है ना वो हार्ड लेंथ के ऊपर बॉलिंग करता है, बॉडी टू बॉडी, कभी इन कभी आउट, और बस यही होती है उसकी बॉलिंग। आप देखें इसके अंदर उसके पास खासियत क्या है, एक तो उसकी पेस नहीं है इतनी जितनी होनी चाहिए फास्ट बॉलर की होती है, ना उसके पास इतना स्विंग है, लेकिन उसके बावजूद दुनिया का नंबर वन बॉलर क्यों है, क्योंकि उसकी एक तो हार्ड लेंथ है, इसी के साथ साथ वो यॉर्कर भी मार सकता है, वो आपको शॉर्ट बॉल भी दे सकता है हार्ड लेंथ के ऊपर। तो इस वजह से वो जो बॉलर है ना वो बड़ा खतरनाक, नाम बड़ा बन गया। बांग्लादेश के खिलाफ मैंने उसका आउट देखा, ऑफ स्पिन करके स्लोअर वन फेंक के ऑफ स्पिन, वहां ठप्पा लगा के वहां इतना अंदर स्पिन जा रहा है, तो वो स्पीड भी उसकी बॉल की बड़ी थी तब, तो वो भी बड़ा इंप्रेसिव एक चीज थी कि आप चेंज ऑफ स्पीड बॉल की जो करते हैं वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है। तो बुमराह उसमें भी माहिर है। एक तो ये चीज है ना, आपने कहा कि ये शौक लगा, ये तो इतना खैर शौक नहीं लगा, ये तो एक्सपेक्टेड था और बुमराह डिजर्व भी करता था मेरा ख्याल है नंबर वन बॉलर बनना। लेकिन जो कैप्टनसी की मारी बात है वो जरूर शॉकिंग थी। वो रात को 12 बजे बाबर ने एकदम ट्वीट छोड़ दिया कि या मैं रिटायर हो रहा हूँ, सॉरी कैप्टनसी छोड़ रहा हूँ, ये मेरे लिए बाकी जो है वो एक दिन आ जाएगा मैं रिटायर हो रहा हूँ, फिर सही में तकलीफ होगी। अभी तो लोगों को तकलीफ नहीं ना जब वो रिटायर करेगा ना। अच्छा देखें, बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ी। बाबर आजम को हालांकि गैरी क्रिस ने कहा था चैंपियंस ट्रॉफी तक आप कप्तान रहे, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी, टीम की स्टेबिलिटी में चाहता हूँ, टीम में माहौल खराब, लेकिन बाबर ने छोड़ दी। अब बाबर ने क्यों छोड़ी थी वजह भी सामने आ गई ना। बाबर आजम को पता था कि बाबर आजम के साथ ना एक तो एक्स क्रिकेटर्स और जो करंट टीम के क्रिकेटर्स है ना उनकी वो जो तालुकात है ना वो पहले जैसे नहीं रहे थे ना। बाबर की बात सुनी जा रही थी ना बाबर की वैसे बातचीत चल रही थी, और फिर ऐसा कप्तान जो वो कहता था वो भी सुना नहीं जाता था। फिर सबसे बड़ी तकलीफ दे चीज ये थी कि पहले बाबर के बल्ले से रन आते थे ना तो बाबर रोफ से बात कर सकता था कि यार ये ऐसे करो, लोग सुनते भी थे कि परफॉर्मेंस आ रही थी। अब पिछले 1.5 साल से बाबर की परफॉर्मेंस नहीं ना आ रही, तो बाबर फिर वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा जिसको करना चाहिए होता है एज अ कप्तान, जो कहते हैं ना जिसके अब आपने मैच जितवा लो तो आप अगले मैच के अंदर टीम को लीड कर रहे होगे कि यार ऐसे करना है ऐसे करना है, तो लोग सुनेंगे भी। लेकिन जब आप ही पहली बॉल पे आउट हुए होगे तो लोगों ने कहां सुनना है कि तू तो आउट होकर आया, खेलना तो हमने, तो वो बात चलती है ना। तो ये भी चीज बड़ा फैक्टर है। उसने बताया, उसने लिखा हुआ है कि वर्कलोड भी उसको फील हो रहा था, साथ वो अपनी फैमिली के साथ टाइम भी देना चाहता है, अपनी गेम को इम्प्रूव करना चाहता है, ये उसने मेंशन किया है। बट कुछ लोग ये कहते हैं कि ना बाबर आजम को ट्विटर पे इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, पीसीबी से बात वगैरह करता, लेकिन
पहले आप टीवी पे बैठे ही कैसे बाप रोग ताने, जब उसने कप्तान छोड़ दिया तो अब ये वाली बातें ना करें जैसे मर्जी छोड़ी छोड़ दी है, अब आप देखें आगे कौन कप्तान बनेगा। देखें सबसे पहले तो देखें शॉकिंग था बड़ा, क्योंकि तीन चार दिन पहले ही पीसीबी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आई थी कि हम जो है ना कोई पैनिक बटन पे क्लिक नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं बाबर ही कैप्टन रहे और उधर से शान मसूद कैप्टन रहे चैंपियंस ट्रॉफी तक, हम कैप्टनसी नहीं चेंज करना चाहते ताकि टीम में स्टेबिलिटी रहे। अब एकदम बाबर ने छोड़ दिया कैप्टनसी, तो कोई ना कुछ बात तो हुई है। खाली ये बात नहीं है, अभी दो दिन पहले आपके मोहम्मद यूसुफ ने रिजाइन किया, हाँ बाबर आजम ने रिजाइन किया, मोहम्मद यूसुफ ने भी रिजाइन किया, कुछ नहीं होता पैनिक बटन में दबाना तो इतने चेंजेस की होते हैं, यही तो वजह जो पाकिस्तान टीम का माहौल नहीं है। देखें सिर्फ और सिर्फ चार महीने है चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है आप चैंपियंस ट्रॉफी इतना बड़ा इवेंट है और वो आपके घर में है, उससे पहले आप मुझे बताएं पाकिस्तान के ओडीआई कितने हैं, है ही कोई नहीं, बिल्कुल बिल्कुल करीब जाके ओडीआई हैं सबके, जैसे ओडीआई करीब जाके हमारे भी वैसे ही हैं, तो इस लिहाज से भी देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए आगे जो है ना बहुत सारा इश्यूज क्रिएट होने वाले हैं इस कैप्टनसी को छोड़ने। मैं वैसे पर्सनली नहीं चाहता था कि बाबर कैप्टनसी करे, जब बाबर को शहीन के बाद कैप्टनसी ऑफर हुई थी ना, मैं तब चाहता था कि बाबर कैप्टनसी ना करे, नहीं लेनी चाहिए थी उसको कैप्टनसी, उसको सिर्फ अपने गेम पे फोकस करना चाहिए था, लेकिन जब उसने ले ली अब, लेकिन ये जो टाइम उसने चूज किया ना कैप्टनसी छोड़ने का, मैं समझता हूँ कि ये भी टाइम सही नहीं था, बाबर को अभी कैप्टनसी छोड़नी भी नहीं चाहिए थी, अगर बाबर ने कैप्टनसी छोड़नी थी ना तो बाबर T20 वर्ल्ड कप के बाद छोड़ देता, बिल्कुल फौरन बाद छोड़ देता, अब बिल्कुल तीन चार महीने पहले छोड़ना मेरा ख्याल है कि एक बड़ी फजूल सी हरकत थी, लेकिन फिर भी अब आगे ये देखना है कि अगला कैप्टन कौन है, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर सबसे ज्यादा कैपेबल है ना तो वो रिजवान ही है। हाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं तेरे कोड आ रहे हैं ओडीआई के, एक शदाब खान के, नहीं शदाब खान नहीं, शदाब खान की टीम में जगह नहीं बनती वो, अगर आपने उसको कैप्टन बना दिया तो फिर दोनों फॉर्मेट का शदाब खान कप्तान बन जाए, T20 में भी वो कप्तानी अच्छी करता है ओडीआई में भी। दूसरा ऑप्शन ये है कि हारिस और T20 का कप्तान और ओडीआई का और रिजवान, मैं दूसरी ऑप्शन के साथ जाऊंगा, लेकिन मसला ही होगा ना फिर आपके तीनों फॉर्मेट के तीन डिफरेंट कप्तान होंगे, वो तो मसला हो जाएगा वो, या तो आप शान को भी हटाएं, शान ने क्या कर लिया, शान ने शान की जगह रिजवान को कप्तान बनाया, ये बात भी आपकी ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि रिजवान बेटर है, उसने PSL में काफी दफा अपनी टीम को सेमीफाइनल फाइनल तक ले गया है, मुल्तान सुल्तान को जिताया भी हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि रिजवान जो है ना अच्छा कैप्टन साबित हो सकता है। उसके अलावा मैंने उसमें ना कैप्टन लीडरशिप देखी है, मैंने वो लीडरशिप बाबर में नहीं देखी जो मैंने रिजवान में देखी है, विकेट के पीछे खड़ा होकर जो है वो जिस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है ना, वो मैंने बड़ी कम चीज बाबर में देखी है, और बड़ा इन्वॉल्व रहता है, और वैसे भी विकेट कीपर जो है ना वो नेचुरली मैंने सुना है बड़ा अच्छे कैप्टन साबित होते हैं। एक बात बताऊं, वो तो बात सही है, आपको नहीं लगता जब रिजवान कप्तान बनेगा रिजवान अपने लिए सहूलियात निकालेगा, क्योंकि रिजवान तो ऐसा प्लेयर है कि साइकिल फरान जब टीम के अंदर था तो उसको नंबर 6 पे खेलना पड़ता था क्योंकि रिजवान ने ओपनिंग करनी थी, ये अब रिजवान तो अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, आपको दोनों एक जिसको कहते हैं ना तेज खेलने वाले ओपनर चाहिए, फिर तो भाई ऐसा कैप्टन जो है ना वो फिर आपने कैप्टनसी कैप्टन के लिए आसे सोचना है। हाँ मोहम्मद हारिस को अगर आप T20 का कप्तान बनाएंगे या तो चांसेस ये भी है ना मोहम्मद रिजवान को दोनों फॉर्मेट का बनाते हैं, अगर हारिस को बनाएंगे तो एक देखना वो जिस तरह ये तो चैंपियंस को मैं बातें कर रहा था कि मैं खुश हूँ हार के भी खुश हूँ हमने तेज खेलना है, वो फिर एक टीम भी ऐसी बनाएगा जो तेज खेल रही होगी, तो ये चीज नहीं वो नेचुरली भी तेज खेलता है वो लड़का, अटैकिंग है वो वर्ल्ड कप 2022 मुझे याद है, लेकिन मैं बात ये है कि अगर ये देखें ना यहाँ से पीसीबी की नलायकी साबित होती है, अगर आपने मोहम्मद हारिस को अपने फ्यूचर कैप्टन्स में सोच के रखा हुआ है तो आप उसको टीम में भी तो रखें ना, आपने मोहम्मद हारिस को जो कि आपका फ्यूचर कैप्टन हो सकता है आपने उसको 2024 का वर्ल्ड कप नहीं ले गए साथ, तो ये आपकी नलायकी है क्या पीसीबी, अब बीसीसीआई को देखें अगले 5 साल का प्लान जो है ना बीसीसीआई के पास रेडी पड़ा होगा, हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है, हमारे पास कोई प्लान नहीं होता, ये एक बहुत बड़ी नलायकी है हमारे बोर्ड की मैं समझता हूँ, और ये बड़ी गलत चीज है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि अभी जो 2025 में वर्ल्ड कप नहीं ना T20 का 2025 के अंदर नहीं 26 में है, देखिए अभी बड़ा टाइम है, मैं समझता हूँ कि अभी स्टेप लेना है तो अभी मोहम्मद हारिस को कैप्टन बनाए और 2026 तक उसको लीड करना है, बिल्कुल ऐसे मैंने भी ये कहा था जैसे सूर्य को उन्होंने कप्तान बना दिया दो साल के लिए बना दे, अभी से प्लान करेंगे तभी तो कामयाब होंगे। इसी के साथ साथ मोहम्मद शामी भी इंजर्ड हो चुके हुए हैं, खबर आपको मिली गई होगी, साथ ही साथ अफगानिस्तान कह रहे आयरलैंड वर्सेज साउथ अफ्रीका का जो मैच चल रहा था उसकी भी अपडेट आपके साथ शेयर कर देते हैं, जो कि मैच अभी चल रहा था, साउथ अफ्रीका के हालात तो अच्छे नहीं चल रहे, आयरलैंड से भी पिछले दिनों हारा था, अफगानिस्तान से भी हारा भाई वो, हाँ तो बड़ा गड़क ही उनका भी हुआ है एक तरह से। साउथ अफ्रीका 35 ओवर के अंदर 198 चार विकेट के नुकसान के ऊपर बैटिंग पहले कर रहा है, तो अब ये वाला जो मैच है लेट्स सी देखते हैं कहां तक जाता है,
क्या इसके अंदर भी कुछ अनोखी चीज हो सकती है कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। तो ये चीज अभी तक चल रही है, अपडेट्स मिल रही है। अभी तक जो स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार है वो मोहम्मद रिजवान ही है। बाबर आजम के जो फैंस हैं वो डिसअपॉइंटेड भी हैं, क्योंकि देखा जाए तो बाबर आजम ने इमरान खान के बाद सबसे ज्यादा जो विंस है ना एज अ कप्तान पाकिस्तान, इमरान खान की 88 है 188 मैचेस के अंदर, बाबर आजम की 84 विन है 148 मैचेस के अंदर। तो एवरेज इसकी अच्छी है, साथ ही साथ विनिंग परसेंटेज भी इसकी अच्छी है, 53.4 की इसकी विनिंग परसेंटेज है। कप्तान देखा जाए तो पिछला डेढ़ साल बहुत बुरा इसका रहा है, उसकी वजह से जो भी इसका था ना, लेकिन यार मैं समझता हूँ ठीक फैसला किया है, बहुत अनलकी बंदा, अनलकी बंदा है। अंडर 19 से लेके अभी तक पीएसएल हो या कोई डोमेस्टिक हो या अंडर 19 हो या इंटरनेशनल लेवल, आज तक ऐसा कप्तान कोई ट्रॉफी नहीं जीत पाया। ये एक मौके मिले हैं, मौके बड़े मिले हैं। और ये आप देखो विराट कोहली को भी अगर हम बात करते हैं तो विराट कोहली भी कोई ट्रॉफी नहीं जीत पाया, विराट आप देखो विराट कोहली ओडी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं जीत पाया, चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी नहीं जीत पाया, टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं जीत पाया, आरसीबी को नहीं जितवा पाया, और इसी के साथ साथ डब्ल्यूटीसी का फाइनल भी ऐसा कप्तान नहीं जितवा पाया था। तो ये चीजें बड़ी ज्यादा जरूरी होती है कि मैंने अक्सर देखा है जो रूट बड़ा फ्लॉप कप्तान बना था, जो रूट जिसको कहते हैं ना कोई जिसको कहते हैं जो रूट के टाइम में तो इंग्लैंड टेस्ट ही बड़ा बुरा हाल हो गया था। इससे क्या साबित होता है, इसी से साबित होता है कि जो कैप्टन कैप्टनसी मटेरियल और होता है। अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैं सरफराज की एग्जांपल बड़ी देता हूं, मैं कहा यार बेशक वो जो है ना वो बैटर अच्छा नहीं था, बैट्समैन वो कोई इतना खास नहीं था, लेकिन वो कैप्टन अच्छा था। और वैसे भी मेरा ख्याल है कि रिजवान जो है ना वो एक अच्छा कैप्टन साबित हो सकता है। रिजवान ने हमें ज्यादा मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी हुई है, और रिजवान में वो बात है, वो लीडरशिप और वो मटेरियल है कि वो कैप्टनसी कर सकता है। और विकेट कीपर वैसे भी नेचुरली अच्छे कैप्टन साबित होते हैं अक्सर, तो मेरा ख्याल है रिजवान बेटर ऑप्शन, रिजवान बेटर ऑप्शन है, मेरा भी ये ख्याल है। अब लेट्स सी देखते हैं। एक मिनट, एक और चीज, लेकिन टी20 में क्यों नहीं बनाते फिर रिजवान को? देखिए अगर रिजवान भी खेलेगा टी20 खेलेगा, लाजमी मोहम्मद हारिस भी खेलेगा, अब दोनों विकेट कीपर है, मसला ये है कि अगर रिजवान को आपने कप्तान बना दिया तो फिर बाबर रिजवान ही ओपनिंग करेंगे ना। अगर आपने अभी तक कुछ चेंज नहीं ना किया तो फिर फायदा नहीं है यार। लेकिन फिर भी वलीद भी देखें, मैं कहता हूँ यार अगर बाबर रिजवान की भी ओपनिंग से अगर हमें अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं तो फिर करा दो यार। बात वही है, रिजल्ट तो अच्छे, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी आती है ओपनर, लेकिन नीचे टीम फारिग हो जाती है, वही तो मसला है ना। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती टी20 के अंदर, आपको न्यू गने लेकर आनी पड़नी, मशीनें लानी पड़नी है, हारिस को ही बनाए ना बनाना है तो फिर कोई दूसरा लड़के को बनाए। मैं वैसे पर्सनली चाहता हूँ कि हारिस ही बने, मैं कहता हूँ हारिस, क्योंकि शाइन की भी कप्तानी कर रहा है और उसने एमर्जिंग एशिया कप के अंदर भी आपको लीड किया, इंडिया के अगेंस्ट फाइनल जितवाया, सॉरी एशिया कप जितवाया। तो ये चीजें बड़ी ज्यादा मैटर करती है।